आदमी भैया गांव समाज को अपना बोलने हाँ भैया गरीब आदमी है भैया, बहुत दुख है के बाल बच्चा पोसलिए भैया, मरद मर पागल ले भैया, हम मरद भी फूलो जिला नुमर और यहाँ पे मगही के सुपरस्टार आशीष यादव आ रहे हैं। क्या मकसद से आ रहे हैं पहले थोड़ा सा मकसद आप जान लीजिए। एक किसान आदमी, एक गरीब आदमी का बच्ची जाती है खेत में और घास गढ़ती है और कहीं न कहीं उसे सर्प काट लेता है मित्रों, और कहीं न कहीं गरीब आदमी है और उनके पास उतना पैसा नहीं है जो कि क्रियाकर्म करने के लिए किसान आदमी साधारण आदमी को बहुत कष्ट होते हैं। लेकिन वाकई में आशीष यादव जो कि मगही के सुपरस्टार, जो कि दुख दर्द समझते हैं हमारे जमुई के हैं, और वो यहाँ पे आके कुछ मदद करेंगे। उधर से बनाओ वीडियो, हम ले लो बता जाइए ना चाची। हाँ अलखुन तोर घर आज पता है आज सुपर स्टार मगी के अखिन सुपर स्टार मगी के और मदद करे लेलखुन सीधा सा पागल है तू, सब कुल पगड़ी जो के नंबर में हम दिवस गमेलिए और उस पर है हमरा दुख पड़ गेले। ये कहीं ना कहीं इस परिवार को देख के भैया कैसा लगता है, कहने आप एक भी कुछ दिन पहले आप भी हम भी यहीं से हैं, यहीं से निकले हैं, और ऐसा लगता है कि भैया कि कहीं के हमारे जम्मू में अगर जो अदर घटना होगा उस पर भी आप लोग जाएंगे और मदद करने का हमेशा मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब भैया मदद कर रहे हैं आगे भी करेंगे, ऐसे ही करते आ रहे हैं कई दिनों से मदद, और आप लोगों का प्यार दुलार रहेगा तो आगे भी ऐसे मदद करेंगे। चलिए देखिए आशीष भैया और कहीं ना कहीं गरीब पीड़ित के घर में आए हुए हैं और ये सबसे बड़ी बात होती है और जो कि मदद करने का कोशिश करते हैं आशीष भैया। अचानक घटना हुआ है, अचानक सांप काट लिया था यहीं पर। नंदन भैया बताए थे कि ऐसा ऐसा घटना हो गया आके, अच्छा तो हम बोले कि आएंगे तो कुछ दिन पहले ही आने वाले थे, लेकिन एक दादी डेट कर गई उधर, तो फिर बाल हटवाने वाले थे तो हम सोचे कि अभी शूट कर लेते हैं उसके बाद जाके मिलेंगे, तो सारा काम खत्म करके रात में सो था, हम सोचे जाएंगे मिलने के लिए, फिर आए यहाँ। थैंक यू भैया, बहुत आपका आभार रहूंगा जो कि आप गरीब के लिए इतना बड़ा करते हैं, हम सबको कभी इतना बड़ा कर दिए। गार्जियन माँ है उनकी और पापा भी यहीं पर है। ला चाची बोलो कुछ आशीर्वाद दो को भैया के। हाँ बस आशीर्वाद काफी है, खुश रह जी के हमरो कुछ देखियो यार, देख रहे हैं हमेशा देखेंगे। आशीष भैया को किस तरह दुलान भैया कुछ बोल दे, हर समय तैयार रहती तोरा लगी, टेंशन नहीं लेना, जखने कोई जरूरत पड़े फोन करबो मनी आइबे, तोरा लगी हर समय खड़ा रहबे, समझ लो। ठीक है चाची मिलवे फिर आबो, हमने हर समय खड़ा रहबे तोरा। आशीष भैया कहने कहे जा रहे और एक दुख एक परिवार को किस तरह मदद की है अपने देखा, और मगही के सुपरस्टार ऐसा ऐसा सिंगर अगर हमारे जम्मू में और हो जाए तो बहुत ही अच्छी की बात है, और दुख देखने का कोशिश की है ये सबसे बड़ी बात है, और खुशी होते हैं ऐसे ऐसे जो कि दुख के घड़ी में आते हैं भैया। हटो हटो भैया, कहीं ना कहीं गरीब को इतना गरीब के बेटा और कहीं ना कहीं गरीब को देखने को लिए आता है, ये सबसे बड़ी बात है भैया। क्या करें जब हम जहाँ से उठे हैं वहीं में वही गरीबी में अगर यदि घटना होता तो उस चीज़ को हम कैसे भूलें, देखना पड़ता है।
आज ये सब कैसे मकसद होता भैया कि कहीं ना कहीं अब बहुत ऐसे सिंगर भी हैं स्टार हो के और गरीब के देखना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन एक हमारे जम्मू से ऐसे बेटा कहीं ना कहीं पैदा हुआ है जो कि गरीब के घर तक पहुंच रहे हैं। सबका अपना अपना सोच, जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। अब क्या कुछ खास रहेगा भैया, आज मिलेंगे उस गरीब से, उस बेटी जो कि मर गई है, उस गरीब के पिताजी से? चलिए ना, मिलते हैं, देखते हैं क्या। हमेशा मदद करने के लिए जरूर करेंगे, काहे नहीं करेंगे आप। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे भैया से। और स्टेज शो का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है भैया, हाँ, जो कि काफ़ी इतना बड़ा भीड़ हो गया कि चलो नंदन भैया क्या कहिएगा कुछ? अरे बस कहना क्या है, पीड़ित के घर में आए हुए हैं तो चाहेंगे कि दुख का संतावना हम लोग दें थोड़ा सा, इसीलिए आए क्योंकि हम लोग भी माटी से जुड़े हुए इंसान हैं, दुख हम लोग भी गरीब के घर का ही इंसान है। आज उठ के यहाँ पे आए हैं तो गरीब को भूल नहीं सकते हैं, सदा देखते हुए रहेंगे। ये हम लोग इतना खुश है कि हमारे जम्मू से कहीं ना कहीं एक बेटा पैदा कर दिया। बिल्कुल, सरस्वती माँ की कृपा से है तो एकदम बिल्कुल सदा सहयोग करते रहेंगे जहाँ तक हमारा क्षमता हो सबको देखेंगे। और भैया आराम से आराम से बस फोटो ले लीजिए, कटिएगा। आइए भैया बैठ जाइए, हो गया, बैठ जाइए भैया, गाड़ी पर चलिए। देखिए आशीष भैया कहीं ना कहीं नंबर आए हुए हैं और बहुत सारे फैन उनके हैं। हटिए हटिए भैया, बैठ जाइए, भैया प्रणाम। नंदन भैया, आशीष भैया चलते हैं। नंदन भैया हम रोड पर ध्यान दिया करिए, अरे ध्यान दिया फोन कर बैठे मत बता दीजिए। गांव में एक घटना था, अच्छा। जो कि बहुत गरीब फैमिली से बच्ची थी, अच्छा। जो कि घास काटने के लिए गई थी, आप समझ सकते हैं घास काटने गई मतलब गरीब है, अच्छा। बस घर के बगल में ही गई थी, बहुत ही विषैला सांप उनको डस लिया और वो दौड़ते हुए आई, चिल्लाते हुए बोली कि हमको सांप काट लिया है, ऐसा सांप था, तिरछुल था आगे। तो हम लोग बहुत कोशिश किए, हॉस्पिटल ले गए हैं जम्मू सदर हॉस्पिटल, लेकिन वो नहीं रह सकी। अच्छा, ये कैसा लगता है कहने कहने एक जम्मू के सिंगर सुपरस्टार होकर एक गरीब के घर आके मदद करते हैं? देखिए बहुत अच्छा लगा, आशीष भैया को पता चला तो उनसे रहा नहीं गया, वो भी हमसे बोले, पूछें, राय सलाह लिए कि कैसे क्या हुआ ये सब वगैरह सब के बारे में पूछें। वो बोले कि हमें जब समय मिलेगा हम आएँगे, जब सुख में मेरा गाना बजता है तो दुख में भी हम साथ रहेंगे। और वो आएँ अपना कीमती समय दे करके, जो फैमिली में थे जिनका फैमिली से वो बच्ची गुजर गई, कुछ रकम दे करके गए, सहयोग राशि दे करके गए, इसलिए सहयोग राशि दिए। वो बच्ची बहुत ज़्यादा गरीब थी, उनके घर फैमिली वाले बहुत गरीब थे, उनके पास थोड़ा जो भी होता है दाह संस्कार के लिए भी उतना रकम नहीं था, तो वो बोले जितना भी हो सकेगा हम करेंगे। आगे भी आशीष भैया ऐसे करते आए हैं, पहले भी कई गरीबों का मदद किए हैं, और आशीष भैया बोल के गए हैं कि ऐसे आप लोगों का प्यार दुलार सपोर्ट रहेगा तो हम आगे भी इससे बड़ा करेंगे। चलिए बहुत खुशी की बात होता है मित्रों, जिस गरीब से बेटा ऊपर आता है और गरीब ऊपर बन के सुपरस्टार तक चल जाता है और गरीब को देखने का कोशिश करता है, ये सबसे बड़ी बात है। और कुछ ही समय उसका प्रोग्राम जम्मू में था जो कि लाखों की संख्या में था, और लाखों की संख्या कल आपने देखा होगा, और आज सुबह ही होते हुए एक गरीब को मदद करने चले आए आशीष भैया, ये सबसे बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं इसी के थ्रू आए थे, है ना? हाँ, क्या कुछ बोले कि तुरंत ही आ गए? नहीं, वो एक्चुअली जान रहे हैं कि बड़े सिंगर हैं, बहुत बिजी रहते हैं हमेशा, तो वो जब तकलीफ उनसे नहीं रहा गया, देखा नहीं गया, तो वो हमसे आए, मिले, बात किए, कंसल्ट में लिए, बोले कि हम ऐसे ही मदद करते रहेंगे, बहुत गरीब फैमिली से है, हम आएंगे वहाँ पर ज़रूर आएंगे। और वो आए, अपना कीमती समय दिए। देखिए सिंगर तो बहुत हैं, बहुत ज़िले से हैं, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं, फिर भी हमारे एरिया में सुपरस्टार है और हमारे घर के मतलब बच्चा की तरह आशीष भैया जो हैं सबको
मानते हैं अपना फैमिली, बहुत गरीब फैमिली से हैं, इसीलिए वो गरीबों का तकलीफ समझते हैं और वो जो है सो गरीबों से मिलने के लिए उनसे नहीं रहा गया, तो वो आएँ और मिलें और कुछ चंद शब्दों में उनको सहयोग दे के गए हैं, हौसला बुलंद करके गए हैं। आप रहिए, जो होनी को कोई टाल नहीं सकता, ऐसा आशीष भैया बोल के गए हैं, और आगे भी अगर कोई कोई तरह का बात हो जाता है तो आशीष भैया हमेशा हम लोगों के साथ रहेंगे, ऐसा बात नहीं है। सुख में बोले हम हैं तो दुख में भी हम रहेंगे, तो इसी प्रकार के आशीष भैया यहाँ पे आए, बोल के गए हैं, अपना कीमती समय दे के गए हैं, इसलिए आशीष भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बाकी वहीं परजेंट हूँ जहाँ पे बच्ची को सर्प काटा था उन्हीं के गाँव में। ऐसे प्यार देते रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़। जय हिंद, जय भारत मित्रों।